देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी को प्राप्त ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी व घरेलू विवाद से जुड़ी हुई रही। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही किया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशों पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब तक कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और कितनी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवियंसिस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं, तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। और जिसमें कुछ फैक्ट चेक चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं स्थल इंस्पेक्शन के लिए, सो उसमें भी हम टाइम बाउंड करते हैं। जैसा पूर्व में भी शेयर किया था कि हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो गया है और अभी कुछ एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जिसमें सारे पटलों के और विभागों के नाम अपलोड किए जा रहे हैं। सो बहुत जल्द वो सिस्टम आ जाएगा, तो एक जो मॉनिटरिंग सुपरविजन है, जितनी भी ग्रीवेंसीज आई हैं एप्लीकेंट्स की कि कितनों का निस्तारण समयबद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखने में सुगमता होगी। वो काउंटर भी पब्लिकली सबके समक्ष ही यहाँ लगाया जाए।